बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शबे बारात स्पेशल में आज की रेसिपी है सूजी का हलवा, जो पूरी या नान के साथ खाया जाता है। इससे पहले कि हम रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि कल शबे बारात स्पेशल की आखिरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो स्पेशल शबे बारात का हलवा होता है सूजी का, उसकी रेसिपी। तो अगर आपको वो बनाना सीखना है तो मेरी कल की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। 15 शबान से इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए लाऊंगी रमज़ान की रेसिपीज़, जो आप शबान में तैयार करके चीज़ें फ्रीज कर सकते हैं रमज़ान के लिए, वो तमाम रेसिपीज़, तो वो देखना ना भूलिएगा। आइए अब अपनी रेसिपी बनाने का आगाज़ करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, आधी प्याली देसी या बनास्पति घी की डालेंगे, 3 से 4 इलायचियाँ कुचल के डाल देंगे, वो कड़कड़ाएँ तो इसमें 3/4 प्याली सूजी की शामिल करेंगे और अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे चम्मच चलाते हुए इतनी देर तक कि सूजी की खुशबू आने लग जाए। सूजी अच्छे से भुन गई है, इसमें से खुशबू आने लग गई है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली पानी, जिसमें खाने का जर्द रंग मैंने शामिल कर दिया था पहले से, और चम्मच चलाएंगे तेज़ी के साथ ताकि गुठली ना बने कोई। ये बिल्कुल सिंपल हलवा होता है। 3/4 प्याली इसमें चीनी की शामिल कर देंगे, मेवे वगैरह इसमें नहीं डाले जाते हैं, अगर आप चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग में डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, हलवा तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद कर लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। हलवे को डिश आउट कर लिया है। पूरी या नान के साथ खाया जाने वाला हलवा अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।